सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टडी आवर टारगेट के इस वीडियो में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण लोकहित के प्रश्नों को, जो कि यूपी टीईटी के एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्नों को आने के चांसेस अधिक हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो के नीचे लिखे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एग्जाम से रिलेटेड डेली 2 से 3 वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, एक साइड लिखा हुआ है कहावत या लोकगीत, ठीक है, और दूसरे साइड लिखा हुआ है सामान्य अर्थ। तो देखिए, कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका अर्थ है ओछा आदमी थोड़ा गुणी होने पर अहंकारी हो जाता है। चलिए, अब है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो देखिए इसका अर्थ है नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार है, ठीक है। अब है आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो इसका अर्थ है नाम के विपरीत गुण का होना, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आने के चांसेस अधिक हैं। अब है आम के आम गुटलियों के दाम, तो इसका अर्थ है दोहरा लाभ, ठीक है दोस्तों। अब है ऊंची दुकान, देखिए अब है ऊंची दुकान फीके पकवान, तो इसका अर्थ है केवल बाहरी दिखावा। चलिए, अब है का बरसा जब कृषि सुखाने, तो इसका अर्थ है अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ है। चलिए, अब है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो इसका अर्थ है शर्म के मारे क्रोध करना। देखिए, अब है बिल्ली के भाग से छीका टूटा, तो इसका अर्थ है जैसा चाहा वैसा हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका अर्थ है अपनी सफलता का दोष दूसरों पर डालना। चलिए, अब है अंत भला तो सब भला, तो इसका अर्थ है परिणाम अच्छा हो तो कार्य सफल होता है, ठीक है। चलिए, अब है अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इसका अर्थ है मुखिया मूर्ख हो तो परिवार में कलह बनी रहती है, ठीक है। चलिए, अब है करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, तो इसका अर्थ है प्रयत्न से सफलता मिलती है, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, तो इसका अर्थ है बेईमानी एक बार ही चलती है, ठीक है। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, तो इसका अर्थ है परिश्रम की तुलना में बहुत कम परिणाम। घर का भेदी लंका डाय, तो इसका अर्थ है आपसी फूट से कमजोरी आती है, ठीक है। चलिए, अब है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसका अर्थ है सहजता से प्राप्त वस्तु का आदर नहीं होता है। देखिए, सहजता से जो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उसका आदर नहीं होता है, तो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका अर्थ है दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका अर्थ है ताकतवर की जीत होती है, ठीक है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो इसका अर्थ है न कारण होगा न कार्य होगा, ठीक है दोस्तों। अब है रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, तो इसका अर्थ है पतन के बाद भी घमंड का होना, ठीक है। चलिए, अब है हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका अर्थ है जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण क्या। नीम हकीम खतरे जान, तो इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति से हानि होती है, ठीक है। चलिए, 10 की लाठी 1 का बोझ, तो इसका अर्थ है सहयोग से काम आसान होता है। चलिए, अब है मुख में राम बगल में छुरी, तो इसका अर्थ है कपटी आदमी, ठीक है। लास्ट है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो इसका अर्थ है एकाग्रता से कार्य होता है। दोस्तों, ये था कुछ लोकहित के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि टीईटी के एग्जाम्स में आने के अधिक चांसेस हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।